हेलो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा दसाऊंगा कि आप किसी भी वीडियो के पिछों ग्रीन स्क्रीन कि आप चक सकते हैं चंगी तरह पंजाबी तो पहले तो आप अपना ऑटोकैड खोल लेना है तो उस तो बाद अपनी जी भी फुटेज होनी है जी आप ग्रीन स्क्रीन चकनी है टाइप करनी है वो इतने अपने प्रोजेक्टर लैके आनी है। इसलिए आप इतने डबल क्लिक भी कर सकते हैं तो इतों जाके ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग पिक्चर आप लैके आनी है, ओपन करके भी लैके आ सकते हैं। डबल क्लिक कर लैंना मैं जो मैं अपने इतने डेस्कटॉप पर रखी हुआ न्याणे वा न्याणे ने गाने शूट किया इतने पे आने वाले हाँ देखो आ भी आने एक मैं ले आना है। ठीक है, एक तो यही लेंद एक आफ्टर इफेक्ट ऑप्शन होंगी है भी एक आप न्यू कंपोजिशन बनानी है अपने हिसाब ना साइज बनाना वीडियो का जोड़ा भी होंगे एक जो साढ़े को वीडियो हैगी हिसाब ना साइज बनाना। ठीक है, जे तो आप अपने हिसाब न नवा साइज बना है ना उस अपनी वीडियो फिट करनी तो इतने कर देना न्यू कंपोजिशन अपना जो भी साइज देना है सैटिंग वगैरह करके किन्ने पैकन बनानी है ओके कर देना वो साइज आने पड़ना। जे साढ़े को वीडियो पहले आप बनाई है उही साइज सेम रखना तो इनू आप इतने क्लिक करना न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज जी भी आप वीडियो तो लैके आवेंगे उस हिसाब न कंपोजिशन देखो बन जानी अपने वो नाम की आ रहा नाम की अपने बन गई। जे आप इस तरह नहीं करते कंट्रोल एड दबके बैक आ जाना जो आप वीडियो इतने पहले ले आती आप फिर उस तो बाद चीज़ करनी है तो इन ड्रैग करके ये उत्ते लिया छड़ देना बस कंपोजिशन के उत्तर लिया छड़ देना तो भी साड़ी वह सेम उ जी वीडियो हरी होनी वो नाम भी बन जानी पर सानू चाहिए आप बनानी है क्योंकि मेरी बैकग्राउंड हैगी इतने बैकग्राउंड मैं आवली लगानी है पिक्चर ही आ सिर्फ ये हाँ आप पिक्चर ही लगानी है ये हैगी पोर्ट्रेट के इसलिए पहले पिक्चर भी मैं ले आना ये ले आना तो मैं साइज अपना ले लैंना ये न्यू यदा विथ हैगी साढ़े को 19-20 हाइट हैगी 10-80 मैं उल्ट कर देना यदा। ठीक है, इतने की आ इतने 10-80 कर देना इतने 19-20 कर देना आ हटा देना लॉक नहीं तो ये चेंज हो जाना 10-80 लॉक तो हटाया तो जो उपर ही चेंज करता थलड़ी चेंज होनी छली चेंज करता उपर ही होनी इसे लॉक हटाया ना तो आप कस्टमली इनू इदा बना लेना देखो फोटो साड़ी इदा पोर्ट्रेट के बन जानी है मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग बन जानी। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैं थले ड्रैग कर लैंना हाँ तो इनू जिनी मैं चाहिए बैकग्राउंड मैं वो इन्नी रख लैंना बाकी बाद एडजस्ट कर लवेंगे। हूँ जी आह फुटेज है इनू मैं क्लिक ड्रैग करके उपर रख लेंगे या वीडियो आ गई है। ठीक है, हूँ इनू भी आप वोटी वोटी कर लवेंगे तो पहले तो मैं जिनी मैं वीडियो चाहिए आप्शन होंगे इन्हें साड़ी जी पोस्ट है जिस वीडियो होनी ये सूँ होर ज़्यादा इतने सूँ स्पेस दिस जानी है जो आप हटा जो करनी है इधरली ऑप्शन ऑन जानी ऑन हो जानी है जो हटाना तो इधरली ऑन हो जानी है। तो हाँ देखो सानू जिदा हूँ गाना मैं लगता इतों स्टार्ट करता है तो इतों क्लिक करता आह क्लिप आ साड़ी। ठीक है, हूँ इधरों मैं इधरला पोर्शन जो कटना है मैं की करना कीबोर्ड तो अल्ट प्रेस करना है तो साढ़े कीबोर्ड के पी आ पी दे तो पहली जी ब्रैकेट आ उ प्रेस कर देनी उन्हें इधरली जिन्ना भी पोर्शन वो कट देना उन्होंने ड्रैग करके फिर मैं इतने अगर ले जाना उस तो बाद चेक कर लो भी जिन्ना तुम्हें चाहिए आ इतने चाहिए पूरा ये पूरा रख लो मैं इतने रख रख लैंना अल्ट प्लस पे वो पी जी पहली पैकेट थी वो तो राइट वाली पैकेट दस देना। ठीक है, तो हूँ की है मैं इन्ना ही पोर्शन चाहिए तो मैं की करूँगा एन प्रेस कर देना उन्हें की होना जी आह ऑप्शन थी। ठीक है, वर्क एरिया हाँ एन ए सिलेक्ट हो गया राइट क्लिक करके की करना है सूँ आप पूरे पोर्शन दे आप इन्ने पूरे पोर्शन दिखे जिन्ना भी आह आप वर्क एरिया जिनसे मेरा माउस जाना सिलेक्ट किया यही सूँ इन्ने पूरी जी साड़ी विंडो उ प्रेस आ जाए फेयर हो जाए इतने राइट क्लिक करना आप उत्ते राइट क्लिक करके ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया मतलब कि सारा उही उन्ना कि जिन्ना आप कट पर वगैरह किया सारे उन्ने चाहिए। हूँ देखो मेरा जोड़ा आह मुंडा गाँव गाँव पाया एक्टिंग करता पाया वो तो हाथ कितने कितने इतने कदा पी है ज़्यादा बाहर नहीं आना ग्रीन ग्रीन पर लगी जाना साडा जोड़ा आ टूल आ पेन टूल आलैक्ट करके जूम पहले इन थले कर लेना कभी जिनी ढादी स्क्रीन वनू अपने हिसाब ना जूम कर लो इतने क्लिक करके इदा इदा सिलेक्ट कर लेना मैं कर देना हाँ देखो तो बाकी तरफ ही अपनी रिकॉर्डिंग वजिए करनी ग्रीन स्क्रीन अगे करके ज़्यादा करनी है ये सिलेक्ट हो गया ये इसलिए होया क्योंकि ये पिछली बैकग्राउंड सिलेक्ट हुई मैं आ करनी थी चल कोई कंट्रोल अल्ट कंट्रोल कला जेड दस देना आ सिलेक्ट करके वीडियो जिनी साड़ी ग्रीन स्क्रीन आप
कर देनी। ओके हरे वाला चक हो गया। उस तो बाद मूव टूल लैके आ सच्चा वाला सिलेक्शन टूल लैके ग्रीन स्किन होना अपना जो मेन काम है वो ग्रीन स्किन चकन। ठीक है स्पेस दबकिन में जब भी लेना तुम्हें पूरी जगह दिखेगा। उस तो बाद की करना आपको जाना इफेक्ट्स के जाके कीइंग। ठीक है पहले होंगे ये पाना नहीं पैंता प्लग इन नहीं है कोई तो की लाइट के जाके सिलेक्ट होगी। हम पहला तो सामने पहला ऑप्शन है साढ़े को कलर किहड़ा कलर आप चकना है क्लिक करके पेंट टूल आह डिप वाले टूल से ग्रीन से क्लिक करता ग्रीन चक होगी। ठीक है चक पर कि देखो जूम करके देखा थोड़ा ब्लैक ब्लैक होना है। ठीक है एक चीज़ मैं तुम दस दूँगा जो भी ग्रीन स्क्रीन से रिकॉर्डिंग करनी उन्होंने की करना जी ग्रीन स्क्रीन होनी है ग्रीन स्क्रीन तो ऑब्जेक्ट का थोड़ा जहा 3-4 फुट की दूरी से होना चाहिए आ जे बिल्कुल नाल होगा की होना जी लाइटिंग थोड़ी सही नहीं हैगी जो ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट है वो ताकि जी बॉडी है ना ऑब्जेक्ट की बॉडी आ उत्ते भी ग्रीन ग्रीन माड़ा माड़ा शो होना वो तुम चक्कर जो है वो औखी होनी इसलिए जी तो लाइटिंग नहीं है कि धुप वगैरह जो इदा बहरे कर सकते हैं आउटडोर से वधिया हो जाता हमारा क्योंकि 3-4 फुट की दूरी रखनी जरूर आ। ठीक है फिर नहीं ज़्यादा होना कि अंदर आउट इनडोर करते हैं तो तुम लाइटिंग की जरूरत है लाइटिंग ज़्यादा चाहिए उत्ते क्लिक करता चक हो गया फिर भी माड़ा माड़ा है ना ब्लैक ब्लैक वो कहते चकना हूँ एक होंगे स्क्रीन बैलेंस इनू आप करा या देखो वध घट इन्ना भी थोड़ा बहुत फर्क पै जाता हमारा पर इन ज़्यादा नहीं छेड़ना आ जरा इनू छेड़ना पले स्क्रीन गेम। ठीक है वो कि स्क्रीन आप कि फिकी रखनी कि ज़्यादा चकनी है ये कर देना इन्ना बार की होंगे देखो बीच बीच माड़ा माड़ा कि पेस्टी साड़ी पिछले भी बैकग्राउंड दिखने लग पाई होंगी। ठीक है इसलिए ज़्यादा नहीं करना है उस तो बाद दूजी ऑप्शन। ठीक है और कुछ नहीं हजे करना भी स्क्रीन ब्लर कर सकते माड़ी मोटी। ठीक है 0.1 अपने ये अपनी सैटिंग से होंगे जिदा तुम परफेक्ट कंटेनर ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल सही है तो तभी इतने बिल्कुल सैट आ जानी है चीज़ स्क्रीन मेट। स्क्रीन मेट करने तो पहला तो करना जो फाइनल रिजल्ट है इतने स्क्रीन मेट करना। ठीक है हम सूँ की चाहिए स्क्रीन मेट से की चीज़ देखनी है कि जो सा मेन ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वाइट होना चाहिए तो पिछली बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है तो उन्होंने ऑन कर लेना तो क्लिप ब्लैक तो क्लिप वाइट जी क्लिप ब्लैक है इन थोड़ा बढ़ा देना तो क्लिप वाइट को घटा देना बस सिंपल ऑप्शन है क्लिप ब्लैक को बढ़ा देना तो वाइट को घटा देना वो तुम देख लेना कितने तुम्हारा सैट आना एक ही चीज़ देखनी जाना देखो माड़ा या ब्लैक दे देना यह फिर वीडियो से चक हो जाना ये भी तुम्हें बिल्कुल वाइट ही रखना है भी माड़ा मोटा इधर करके देख लो ठीक है उस तो बाद कर देना फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आने की देखना हम सैडा तो देखो सैड तो माड़ा माड़ा कि शार्प जहा है उन्हें आप कर सकते हैं इतने कि सॉफ्ट नैट स्क्रीन सॉफ्ट नैट सॉफ्टनैस इन माड़ा बढ़ा देना बढ़ा के एक होंगी है स्क्रीन श्रिंक प्रो सैडा तो श्रिंक माड़ी माड़ी कट्टनी इन माइनस चले जाना माड़ी माड़ी अंदर बढ़ जानी ग्रीन स्क्रीन भी है माड़ी माड़ी वो भी चक हो जाए अगर फैन चंकी तरह चक हो बाकी कैमरे से कैमरा तेनालीराम क्लियर है या नहीं है वो सिर से आ। ठीक है हम वीडियो जितने रखनी चाहते हैं जिते तू सही लगता है बाकी वीडियो रियल इदा लगनी है भी जी पीछे बैकग्राउंड आई भी किस एंगल में खिंच हुई है मतलब कि जिदा उन्हें आह शूट किया यह कि ऊंचाई तो शूट किया है तो पिछली जी स्क्रीन वो कि ऊंचाई से आ। ठीक है तो भावना होंगी होंगी है तो ताकि सही लगनी है पिछे रखनी जितने तुम सही लग गई। ठीक है ये तो हो गया जी ग्रीन स्क्रीन आप कि देखनी आप चला लेंगे हम होर इन रियल लगवा की कर सकते हैं ये आप शैडो पा सकते हैं। ठीक है जी देख लो मामा रिकॉर्डिंग भी होंगी है या नहीं हूँ एक तो इन सेव जरूर करना अपनी फाइल में कंट्रोल एस दब के सेव करिए जो फाइल से आगे इतों भी सेव करिए बार बार एक बार सेव करिए ग्रीन ग्रीन
स्क्रीन लिख देना, ठीक है। तो हूँ शैडो पानी की करना, यदि यदि शैडो पानी वो डुप्लीकेट कर ली कंट्रोल डी, ठीक है। हूँ इनू चाहे आप ऑफ कर लिए जो मर्जी कर लिए, है ना, अभी तो कुछ नहीं पता लगना क्योंकि थले भी वो लेयर पी है। हूँ आ क्लिक किया मैं इतों आप इफेक्ट देना, इफेक्ट तुम पता ही इतों ही आ जाते होंगे जो ना भी हो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स ऑन कर सकते आप, तो साढ़े इतने अपेयर हो जाने आप पे, ठीक है। कंट्रोल फाइव की छोड़ पाव। हूँ मैं इतनी कि चीज़ लानी है पिछली बैकग्राउंड वाले फिल फिल आ लगाना है, ठीक है। कल ना फिल लग गया वो बाद चेंज कर दें कुछ ठीक करना, तो पहले दस दिना मैं फिल दे सिर्फ ब्लैक ही रखना है, ठीक है। ब्लैक हो गया देखते नहीं पे, हाँ देखो मैं इनू ओपन ही ऑफ कर देना। आ चीज़ होगी फिल पेस्ट सू जिनी तुम पता ही है भी शैडो भी कि घट वाद होंगी उन्नी क रख लो इतने पहले ही, ठीक है। मैं इदा कर देना मेचिंग कर देना पता लगा। एक आप की लाइट लाया उत्ते एक फिल लगाया, एक मैं लगाना हूं एक गोल्डन बुलर भी जी शैडो तो देखो ये शैडो तो साढ़े की चीज़ होंगी है साड़ी रियल शैडो भी ना थोड़ी जी इदा बुलर च ही होंगी है, ठीक है। आ थोड़ी बुलर करती उस तो बाद मैं ला लेना हम इतने ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म डबल क्लिक किया ट्रांसफॉर्म लग गया। हूँ उस तो बाद ट्रांसफॉर्म करके एक ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्केल, ये यूनिफॉर्म स्केल ये हटा देना आपको इन्ना की होना जो ये लगा रहूगा तो यह साड़ी फोटो इदा वीड्डी छोटी होनी, जो आप हटा देवे आप छोटा भी कर सकते इदा, ठीक है। बीच में मर्द जहाँ कर सकते हूँ करता है। हूँ मैं आई उपली जी मेन है इनू ऑन करता, ठीक है। तो ये जी मेन आदि मैं पेस्ट्री पहला कटा दिना, यदि पेस्ट्री कटाने ट्रांसफॉर्म के पीछे जाके सिर्फ देखा ले भी एक मिनट यदि पेस्ट्री नहीं आ उपरली जी मेन आदि पेस्ट्री कटाना कि देखने लिए उत्तों थले मेरी शैडो कि मैं दे दी, ठीक है। इन्नी कटा दिना शैडो जी अपनी आया शैडो न पहला मैं इतों की गेन कर ला जी पेस्ट्री मैं कटाई थी क्योंकि मैं पैर ना पैर मिलाने इसलिए मैं गेन करके देख लैंना इतने मैं पैर ना पैर मिला, ठीक है। पैर मिल गए पैर तो शैडो जुड़ी हुई रहनी है। उस तो बाद पहले ये भी जरूर देखना भी जो सा कार की फोटो लाइक कार से किधर शैडो पैंती है तो यदि भी उधर नहीं पैनी है, मतलब कि जिधर लाइट आँगी दोनों वीडियो के उधर नहीं शैडो पैनी है सही सही लगनी है। एक दी होर पासे हो दूजे दी होर पासे फिर बिल्कुल नहीं सही लगनी। तो हूँ मैं इतों छोटी वोटी इतों लेनी है। हूँ मेरी ऑप्शन हैगी रोटेट करने की, करना मैं रोटेट इदन इदन साइड पा लें रोटेट करके इन्हें जाके इतने रख लें, ठीक है। तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है इतने ऑप्शन होंगी है स्क्यू हम थोड़ी जी मैं होर फिल्म छोटी करनी चाहता करके थोड़ी करके बनानी है ज्यादा ठीक है जी। हूँ मैं ये पेस्ट्री इतों कटा देना है थोड़ी देर लग ही जा हूँ ये दोनों कंट्रोल लग के दो देर स्लाइड करके अगे निकाल दो जी उपरली मेन सी ये जी पेस्ट्री थी इन मैं बढ़ा दिना हूँ पूरी यूरी कर देनी हूँ
हाँ देखो हुण टिल्डे कीबोर्ड ते जिहड़ी एस्केप दे नीचे ते टैब दे उपर आउंदी आ, उहनू प्रेस करके थोड़ा जूम कर लैणा आ। हाँ देखो स्पेस दब के हाँ देखो ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਅਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਓਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3D ਬਣਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ, 3D ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਔਫ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਲਾਈਟ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਪੋਟ ਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਪੈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਲੂ ਵਗੈਰਾ, ਓਕੇ ਐਂਡ ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਵਿਊ, ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਵਿਊ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 3D ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਪ ਵਿਊ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਪੈ ਗਈ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਨਿਊ 3D ਬਣਾਈ ਉਹ ਕੈਮਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਸਟਮ ਕੈਮਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ 35mm ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਐਮਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇ ਕੀ ਐਮਐਮ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੂਮ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਜੂਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜੂਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਗਏ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ, ਠੀਕ ਆ, 10500 ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਲੋ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੇਮ ਮੈਂ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਫੇਮ ਮੈਂ ਘਟਾ ਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਉੱਨੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ, ਹੌਲੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੂਮ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜੂਮ ਇਨ ਅਤੇ ਜੂਮ ਆਊਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਘੱਟਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਜੂਮ ਵਾਲੀ ਜੂਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਜੂਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਐਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟੂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਕ ਏਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਡੀਓ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਆ ਆਡੀਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਂਡਰ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 10 ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨ ਏ ਐਮ ਈ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਡੋਬ ਮੀਡੀਆ ਇਨਕੋਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸ 264 ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਟ ਆ, ਰੈਂਡਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਕੇਬ ਦਬਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀ ਯੂ 90% ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਮਰੀ 16 GB ਰੈਮ ਆ 15 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ 16 GB ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੀ ਪੀ ਯੂ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰਨ ਦੋ, ਜਾਣੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਡੋਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਊ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਚੱਜ ਨਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਾਣਾ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆ ਮੇਨ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੈਜੈਂਡ, ਆਹ ਪਿਆ ਲੈਜੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੌਂਗ ਹੈਗਾ ਮੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਪ ਕਰਨਾ 1 ਦੇ, ਇਹਨੂੰ 1 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, 1 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਓਕੇ, ਇਹਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, 1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ। ਸਿੰਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਰੀਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੌਂਗ ਆ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਡੀਓ ਚੈਨਲ ਆ, ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੱਬ ਕੇ ਸਿੰਕ ਫਸਟ ਟਰੈਕ, ਓਕੇ ਕੁਡ ਨੋਟ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ 1 ਮੋਰ ਕਲਿੱਪ ਕਰੰਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਚ ਕੁਡ ਨੋਟ ਬੀ ਫਾਊਂਡ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।